क्या आप जानते हैं कि हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शामदार रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं? दोस्तों, इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हजूर गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नमाज और हजरत मखदूम अशरफ शिमनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस वक्त उम्रें क्या थीं जब हजूर मदारुल आलमीन दुनिया में थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करते हैं। हजूर मदारुल आलमीन की विलादत शरीफ मुल्क शाम शहर हलब शरीफ में बरोज़ 2 शव्वाल 242 हिजरी में सुबह सादिक के वक्त हुई। वो जो फातमी हसनी हुसैनी सैयद हैं, जिन्होंने दुनिया में आते ही कलमा शहादत और अल्लाह को सजदा किया, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही तमाम उलूम हासिल कर दिए। आप तबे तबाइन हैं जिसने तबाइन का ज़माना पाया हो, और तबाइन वो जिन्होंने साहबा का ज़माना पाया हो और इन सबको देखा हो। आपने 3-3 साहबी रसूल को देखा, जिन्होंने 259 हिजरी में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त व खिलाफत हासिल फरमाई। हिंदुस्तान के पहले सूफी मुबलिक इस्लाम जो 282 हिजरी में लगभग 300 हिजरी पहले ख्वाजा गरीब नमाज से हिंदुस्तान आए थे। आप ऐसे आले रसूल हैं कि आपका सदर नसब सिर्फ 10 वासनों के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है। अब बात करते हैं कि हुजूर मदारुल आलमीन और भी बुजुर्गाने दीन की उम्र में कितना फासला है। आपकी विलादत 242 हिजरी सन 856 ईस्वी ईद के दिन सोमवार को सुबह हुई। आपकी उम्र शरीफ 556 साल 16 दिन 6 घंटे। आपकी विलादत के 229 साल बाद हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई और 295 साल बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत हुई और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की विलादत 466 साल बाद हुई। इस तरह मदारुल आलमीन का दौर लंबा रहा। हुजूर गौसे आजम की उम्र 90 साल, ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र 96 साल, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की उम्र 100 साल। हुजूर गौसे आजम के विसाल के बाद हुजूर मदारुल आलमीन 277 साल तक दुनिया में हयात रहे और ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल के बाद आप दुनिया में 205 साल तक हयात रहे और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की विसाल के बाद मदारुल आलमीन दुनिया में 30 साल हयात रहे। इस तरह सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 838 हिजरी में हुआ। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आपके साथ 12 साल तक रहे। आप दोनों ने एक साथ हज भी अदा किया और बाबा रतन हिंदी उर्फ जुबैर, जिनका मजार शरीफ बठिंडा पंजाब में है, जो साहबी रसूल थे, उनसे मुलाकात भी की। इस तरह से हुजूर मदारुल आलमीन और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ताबाई बुजुर्ग भी हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।